नमस्कार, मैं रंजीत चौहान, आप देख रहे हैं ओनली न्यूज नेशन। उत्तर प्रदेश के प्रधानी के चुनाव में, पंचायत के चुनाव में हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब ऐसे में जब हाई कोर्ट रोक लगा देता है तो जितने भी प्रधान पद के उम्मीदवार थे, जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार थे, VDC के उम्मीदवार थे, उनको करारा झटका लगा है। और झटका भी छोटा मोटा नहीं लगा है बल्कि लाखों करोड़ों रुपए का झटका लग गया है, क्योंकि अभी तक इन्होंने कई हजार लाखों करोड़ रुपए के मुर्गे दारू ये बांट चुके होंगे, जनता को लुभाने के लिए कई बड़े बड़े वादे कर चुके होंगे, महिलाओं को लुभाने के लिए कई साड़ियां बांट चुके होंगे, कई घरों में मिठाइयां पहुंचा चुके होंगे, कई लोगों को कच्ची शराब पिला चुके होंगे। अब ऐसे में जब हाई कोर्ट चुनाव पर रोक लगा देता है तो सबसे बड़ा झटका तो उन्हीं को लगना है, क्योंकि उनको पता है कि आने वाला फैसला कुछ भी हो सकता है। किसी का आरक्षण रद्द हो सकता है, किसी का आरक्षण दोबारा आ सकता है, और कोई ऐसी सीट है जो कभी नहीं आई है, दोबारा उस सीट आ सकती है। अब सवाल यह है कि अब क्या होगा उनका, जिनके बड़े बड़े पोस्टर लग चुके हैं, जो बड़े बड़े वादे कर चुके हैं, स्कूल बनवाएंगे, पार्क बनवाएंगे, साइकिल दिलवाएंगे, जो कभी अपने घर की जो गंदी नाली नहीं साफ कर किए हैं वो गांव साफ करने की बात कर रहे हैं, जिन्होंने आज से पहले हजारों लाखों रुपए सरकार के डकार गए हैं, वो लोगों से वादा कर रहे हैं कि उनको हम अच्छी सुविधाएं दिलाएंगे। अरे साहब, अब सुविधाएं क्या दिलाएंगे, अब तो हाई कोर्ट का डंडा चल गया है। चलिए मैं पूरी खबर आपको दिखाता हूं कि आखिर में हुआ क्या है। उत्तर प्रदेश में होने जा रहे पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को बड़ी रोक लगा दी, साथ ही आवंटन की कार्रवाई को भी रोक दिया। कोर्ट ने 15 मार्च तक आरक्षण की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने पर रोक लगा दी और अब मामले की सुनवाई अगली 15 तारीख को होगी। इस संबंध में सरकार सोमवार को अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करेगी। गौरतलब है कि अजय कुमार नाम के सामाजिक कार्यकर्ता ने कोर्ट में जनहित याचिका लगाकर सरकार की ओर से जारी आरक्षण के आदेश को चुनौती दी थी। अजय की याचिका में आरक्षण की नियमावली पर सवाल उठाया गया। गौरतलब है कि 11 फरवरी को सरकार की ओर से आरक्षण को लेकर शासनादेश जारी किया गया था, जिसको चुनौती दी गई थी। साथ ही आरक्षण 2015 में हुए चुनावों के आधार पर करने की मांग की गई थी। उल्लेखनीय है कि मामले की सुनवाई जस्टिस ऋतुराज अवस्थी और जस्टिस मनीष ठाकुर की खंडपीठ ने किया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने भी ऑर्डर रिलीज कर इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार ने आदेश जारी कर कहा कि उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में अग्रिम आदेशों तक पंचायत चुनाव में आरक्षण और आवंटन की कार्रवाई को पूरा ना किया जाए। जिया साहब, कोर्ट ने कह दिया है कि अगले आदेश तक कोई भी आवंटन और आरक्षण की कार्रवाई को पूरा ना किया जाए। मतलब साफ है कि जो जहां पर है वहीं रुक जाए, जितना पैसा आपने खर्च करना था कर लिया, अब वहीं रुक जाइए, वरना आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आप सुसाइड कर सकते हैं, आपको बड़ा झटका लग सकता है। और जो आपने वादे किए हैं, जिन वादों की बहार आपने गांव में ले आए हैं, उन वादों की बहार को भी रोकिए, तनिक इस पर लगाम लगाइए, कहीं ऐसा ना हो कि वादे पूरे करने के चक्कर में या लोगों को बेवकूफ बनाने के चक्कर में आप खुद ही ना बेवकूफ बन जाएं। और ये बेवकूफ कोई और नहीं बना रहा है बल्कि आप खुद बन रहे हैं। पंचायत चुनाव में हम देखते हैं कि ये गांव स्तर का चुनाव होता है और गांव स्तर के भोले भाले किसानों को कुछ गांव के दबंग, कुछ गांव के ऐसे लोग जो फर्जी लुभावना ऑफर देकर उनको लुभाते हैं, उनका वोट मतदान लेते हैं और उसके बाद वो 5 साल तक अय्याशी करते हैं, राज करते हैं गांव पर। ऐसे क्या वजह है कि पंचायत चुनाव में प्रधानी जीतने से पहले प्रधान के पास कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जैसे ही उसके हाथ में प्रधानी आती है उसके बच्चे बाहर पढ़ने लगते हैं, उनके घर पे बड़ा बड़ा बिजनेस शुरू हो जाता है, स्कॉर्पियो, बोलेरो,
फार्चूनर जैसी गाड़ियां उनके घर पर आ जाती हैं, और गांव की जनता जैसे पहले थी वैसे उस समय भी रहती है। गांव की जनता का कुछ नहीं बदलता, लेकिन प्रधान का लाइफस्टाइल जरूर बदल जाता है। जबकि जो पैसा जो है गांव में आता है, प्रधान के पास आता है, वो जनता का पैसा होता है, जनता के लिए आता है, लेकिन जनता वैसे ही रह जाती है। और गांव का सरपंच, जिला पंचायत सदस्य, VDC जैसे लोग कहां से कहां पहुंच जाते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है सरकार से भी, कोर्ट से भी, कि पंचायत चुनाव में कुछ ऐसा करें ताकि लोग गांव के विकास के लिए प्रधानी लड़े, ना कि अपने विकास के लिए। मैं अनुरोध करता हूं कि कोर्ट जो भी फैसला करेगा वो सही करेगा, और जिनको भी आरक्षण देगा वो देख कर देगा, क्योंकि कुछ ऐसे गांव हैं हमारे देश में जहां पर विशेष वर्ग के लोगों को, विशेष समाज के लोगों को एक बार भी मौका नहीं मिला है, वहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बार बार मौका मिलता है। इसलिए ऐसा सोच समझ कर ही आरक्षण लागू किया जाए। मैं वीडियो को खत्म करता हूं, अनुरोध करता हूं खबर को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही है मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। UPSC के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें TV पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशियन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही है मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। UPSC के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशियन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही है मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। UPSC के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।